हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था यूनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। और यूनरी सिस्टम को हमने डिटेल्स में ए टू जेड जितना था कंटेंट्स पूरा हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इवन जितने भी वहां से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कॉम्पिटेटिव एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम, ये हमने टोटल फिनिश किया और आपको पढ़ाया, क्लियर। आज यहाँ पर हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक लेक्चर इसका एबनॉर्मलिटी के रूप में बनेगा, ठीक है ना, तो उसको भी हम फिनिश करेंगे। तो वही लेक्चर इसके लिए हम लेकर आए हैं और ये रिलेटेड टू द रेनल सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो रीनल सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं तो रीनल फेलियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रीनल फेलियर कैसे होता है, मतलब कि रीनल में या यूरिनरी सिस्टम में किस टाइप के डिजीज उत्पन्न होती है, किस टाइप की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर किया करिए और साथ में मुझे सपोर्ट करिए फर्दर, ताकि हम आपके लिए और भी लेक्चर अवेलेबल कर सकें, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, चैनल ग्रोथ नहीं करता है, तो हम फिर ये कंटेंट देना अवेलेबल बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है, ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करें, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी आउटलाइन जान लेती हैं, ठीक है ना। जो रीनल सिस्टम है और रीनल सिस्टम में हम जो पढ़ने जा रहे हैं रीनल फेलियर के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी, पहले ये शब्द को समझेंगे, ठीक है ना, देन इसके बाद हम आउटलाइन में आएंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है, देखिए एक यहाँ पर शब्द लिखा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज द साइंस ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं उन सभी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी, ठीक है ना, रिलेटेड टू द ह्यूमन सिस्टम। अब यहाँ पर एक अप्लाइड शब्द लगा है, अप्लाइड का मतलब यहाँ पर ही होता है ये कोई ना कोई चीज उससे क्या हो रही है, एबनॉर्मलिटी शो कर रही है, ठीक है ना। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा कि एबनॉर्मल फिजियोलॉजी किसकी, रीनल सिस्टम की, ठीक है। आउटलाइन में हम ये चीज देखेंगे कि रीनल फेलियर कैसे हो रहा है, ये दो टाइप्स का होता है, एक्चुअल में देखा जाता है तीन टाइप्स का होता है, एक प्री रीनल फेलियर भी होता है, ठीक है ना, उसको भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाता है टू टाइप से ही होता है, एक एक्यूट रीनल फेलियर जिसको हम ARF बोलते हैं, ठीक है ना, और सेकंड होता है क्रोनिक रीनल फेलियर जिसको हम CRF बोलते हैं। इसका हम कॉजेस भी देखेंगे और क्लिनिकल फीचर्स भी देखेंगे, ठीक है ना, एक्यूट और क्रोनिक दोनों का, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम रीनल फेलियर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में रीनल फेलियर हो क्यों रहा है, ये चीज को समझिए, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। रीनल फेलियर को यहाँ पर रिफर किया गया है कि फेलियर ऑफ द एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, मतलब कि कहने का दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि हमारी किडनी जो होती है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और ब्लड में जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको भी एक्सक्रीट आउट करके बाहर इलिमिनेट करती है, ठीक ना, यही हमने पढ़ा था मोटा मोटा। तो हमारी किडनी जो होती है तो एक्सक्रेटरी जो फंक्शन हो रहा है नॉर्मल तरीके से वो फंक्शन करना क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है ना, या कि लॉस हो जाए या कि किसी न किसी कारणवश उसमें डिफिशियंसी हो जाए, इसी के कारण क्या हो जाता है, रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर जो होता है यूजली कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज इन द ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब कि इसका जो कैरेक्टराइज देखा गया है, लक्षण देखा गया है कि जो डिक्रीज हो रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जैसे जो नॉर्मल चलता है वो अपने नॉर्मल तरीके से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जिसके कारण ये देखने को मिल सकता है। और क्या बोल रहा है कि GFR इज कंसीडर एज अ बेस्ट इंडेक्स फॉर द रीनल फेलियर, ये पॉइंट हमेशा रखिएगा अपने माइंड, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि बेस्ट इंडेक्स ऑफ द रीनल फेलियर कौन सा होता है, तो GFR जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये बेस्ट जो होता है इंडेक्स ऑफ द रीनल फेलियर होता है। ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि GFR ही इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी कितना स्क्रेट आउट कर रही है और कितना जो होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर रही है, ठीक ना। डिक्रीज इन द GFR इज नॉट अफेक्टेड, मतलब कि कहने की ये
करी है कि जीएफआर जो डिक्रीज हो रहा है वो अफेक्ट करने के योर नहीं कर रहा, लेकिन ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि मच ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द रीनल फेलियर। ये इफेक्ट तो नहीं कर रहा है कि अफेक्ट कैसे हो रहा है, रीनल को प्रॉब्लम क्रिएट तो करने के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज जरूर बता रहा है कि हमारी रीनल जो होती है डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, ये एक इंडिकेशन दे रहा है। देखा जाए इफ 50% ऑफ द नेफ्रॉन आर द अफेक्टेड, मतलब अगर 50% नेफ्रॉन अफेक्ट हुआ है रीनल की कंडीशन में, तो जीएफआर डिक्रीज ओनली बाय द 20-30% है। मतलब कि अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए जीएफआर का, तो 20 से लेकर के 30% जो होता है डिक्रीज हो जाता है अगर 50% किडनी डैमेज हुई है उस दौरान। क्लियर? मैकेनिज्म बाय द अनअफेक्टेड द नेफ्रॉन, और जैसे ही नेफ्रॉन जो होता है वो अनअफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक ना, मिल जाएगी। रीनल फेलियर जो होता है ऑलवेज जो होता है कॉम्प्लिकेट कंपाउंड होता है किसके, अदर कॉम्प्लिकेशन के कारण, जैसे यहाँ पर बता रहा है 3 पॉइंट। एक बता रहा है यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ द कैस्ट्रियोल से, मतलब कैस्ट्रियोल कैस्ट्रिट्रियोल कैस्ट्रिट्रियोल जो होता है एक तरह कह सकते हैं कि सबस्टांस ही होता है जो कि विटामिन डी के द्वारा एक्टिवेट होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, विटामिन डी के द्वारा एक्टिवेट होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उस दौरान परिणाम क्या देखने को मिल सकता है कि रिडक्शन इन द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड द हाइपोग्लाइसेमिया कैल्शियमिया, ठीक है ना, मतलब कि जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में कैल्शियम का और उसका रिडक्शन कम हो जाएगा, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में वहां पर हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्शियमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, साथ ही डिफिशियंसी ऑफ द कैल्सिट्रोल एंड हाइपोकैल्शियमिया में कॉजेज द सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म इन द सम पेशेंट, कुछ पेशेंट में यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म की कंडीशन होती है, ठीक ना, मतलब जो पैराथायरायडिज्म हार्मोन्स होता है उसकी अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सेकेंडरी कॉजेस देखने के मिल सकता है कुछ पेशेंट में। ये किसके कारण हो रहा है, कैल्सिट्रियोल या कि हाइपोकैल्शियमिया के कारण हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ द इरिथ्रोपोएटिन्स, ये पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना, द रिजल्ट इन द एनेमिया, मतलब कि जो इरिथ्रोपोएटिन्स एक हार्मोन्स होता है जो कि किडनी के द्वारा सिक्रेट आउट होता है, ठीक है, तो उसकी अगर डिफिशियंसी हो रही है तो जो हमारे बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है बोन मैरो के अंदर वो कम हो जाएगा, मतलब कि उसका प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, जिसके कारण फिर एनीमिया का देखने को मिल सकता है। ये भी एक क्या बता रहा है, कॉम्प्लिकेशन बता रहा है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ देगा कि क्या किडनी फेलियर में एनीमिया की कंडीशन होती है, यस होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन्स हार्मोन्स की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि डिस्टर्बेंस इन द एसिड बेस बैलेंस, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सिस्टम चलता है, कह सकते हैं एक प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि टू कंट्रोल द कांस्टेंट रेंज ऑफ द ह्यूमन रेंज, मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी रेंजेस चल रही है उसको कांस्टेंट रेंज में कंट्रोल करना ही होम्योस्टेसिस है। तो अगर एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कंट्रोल नहीं हो रहा है, कभी एसिडोसिस की प्रोसेस होती है, कभी एल्कलाइडोसिस की प्रोसेस होती है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, किसके दौरान, रीनल फेलियर के दौरान। क्लियर? अब इतना तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि रीनल फेलियर हो क्यों रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जो टू टाइप्स के रीनल फेलियर बताया गया है, एक एक्यूट रीनल फेलियर और एक क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें आने से पहले एक पॉइंट और हम बताएंगे, जो अभी हमने बताया कि एक प्री रीनल फेलियर की कंडीशन भी होती है। प्री रीनल फेलियर की कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कभी कभार क्या होता है, अगर इंटरनल या कि एक्सटर्नल बॉडी के अंदर या कि किसी कारण पर एक्सीडेंटल हुआ है, कुछ भी कारण पर एक्सटर्नल और इंटरनल अगर हीमोरेजिक कंडीशन हो रही है, ब्लड लॉस अगर कंडीशन हुई है, तो उस दौरान सफिशियंट अमाउंट में किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी जो होता है ऐसा सेकेंडरी ऑर्गन होता है जो सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ब्लड को कंज्यूम करने का काम करता है, और प्राइमरी ऑर्गन जो होता है लीवर होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि अगर सफिशियंट अमाउंट में रीनल के पास
किडनी के पास अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो उस दौरान फिर क्या होगा, रीनल फेलियर होने का चांस बनेगा, उसको हम बोलती हैं प्री रीनल फेलियर। क्लियर, आपको समझ में आए। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर कैसे हो रहा है। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, एब्रप्ट या कि सडन स्टॉपेज ऑफ द रीनल फंक्शन, अचानक अगर किसी कारणवश क्या हो रहा है कि रीनल का फंक्शन स्टॉप हो रहा है, ठीक ना, स्टॉप होने के कारण उसमें सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण ये एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। और यह जो प्रोसेस होती है तो लगभग कह सकती हैं कि फ्यू डेज, फ्यू आवर्स या कि फ्यू वीक में देखने को मिलती है। और यह प्रोसेस जो होती है कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है विद इन द फ्यू डेज टू द फ्यू वीक्स तक। इसके बीच में अगर आपके रीनल का जो रीनल फंक्शन नॉर्मल तरीके से चल रहा है, सडनली स्टॉप हो जाए, उस दौरान में हम एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलता है, ठीक ना, मिल सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर में रिजल्ट इन द सडन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। अब यहां पर एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, सडन मतलब होता है अचानक, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जीवन में किसी भी टाइम पे जो होता है देखने को मिल सकता है, और वो अचानक आएगा और अचानक वो ठीक भी हो सकता है, उसको बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक ना, रिएक्शन इन द बॉडी विद नीड फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहां पर तो हमने ये समझ लिया कि एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है, लेकिन एक्यूट रीनल फेलियर होने का कारण क्या है, क्या कॉजेस है कि एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ये चीज को समझिए। फर्स्ट पॉइंट यहां पर होते हैं पोलीनेफ्राइटिस। देखिए यहां पर शब्द लिखा है एक पाइलो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, और यहां पर एक लिखा है आईटीआई। ये आईटीआई शब्द अगर मिल जाए, ITIS लास्ट में अगर देखने को मिल जाए, तो इसका दैट मींस होता है, मेडिकल टर्म इसको रिफर किया जाता है इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, या कि इन्फ्लामेटरी। तो पाइलोनेफ्राइटिस की मींस यहाँ पर ये बता रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमल सेल्स, एक सेल्स होती है जहां पर किडनी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको बोलती है पैरेन्काइमा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी एंड लाइनिंग ऑफ द रीनल पेल्विक्स कॉजेस बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब यहाँ पर है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, पैरेन्काइमल सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, और साथ में रीनल जो पेल्विस एरिया होता है उसके लाइन को भी डैमेज कर रहे हैं, इसके कारण वहां पर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा, ठीक है ना। और इसका अगर नॉर्मली तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे जो होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की ओर लीड कर जाएगा, और ये रीनल फेलियर में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, या इसी को बोलते हैं नेफ्राइटाइटिस है, ठीक है, नेफ्राइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। इसमें भी क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है किडनी में, सूजन देखने को मिलेगी, रिजल्टिंग इन द डिसफंक्शन ऑफ द किडनी, मतलब कि किडनी का प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा है। इट डेवलप्स कॉमनली बाय द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये किसके ओर इंडिकेट कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किडनी फेलियर में क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यस होता है, और वो भी कब होता है, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में, एक पॉइंट यहां से भी जनरेट हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ द रीनल टिश्यू। रीनल में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कौन कौन से टिश्यू होते हैं, किसके कारण हो रहा है, पॉइजनस लीड्स के कारण हो रहा है। अगर पॉइजन आप लिए हैं जिसमें से लेड है, मरकरी है, ठीक है, या कि कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी क्या होते हैं, पॉइजन्स होते हैं। अगर ये पॉइजन आप इनटेक किए हैं तो ब्लड के थ्रू वो किडनी में जाएगा, और किडनी में जो प्रेजेंट टिश्यू होते हैं उसको डैमेज करेगा, और डैमेज करने के कारण ये एक्यूट रीनल फेलियर का कारण बनेगा, ठीक है। ये किस में देखने को मिलेगा, एक्यूट कंडीशन में। और भी समझ लेते हैं क्या क्या कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट है रीनल इस्केमिया। रीनल इस्केमिया क्या होती है, इनएडिक्युएट ब्लड सप्लाई, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है द पार्ट ऑफ द बॉडी सच है, जैसे कि आर्गन किडनी, ठीक है ना, हार्ट एंड ब्रेन, तीन आर्गन में अगर सफिशियंट अमाउंट में देखने को नहीं मिलेगा ब्लड तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस्केमिया। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। इसमें होता क्या है कि डेवलप ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाई द आर्गन, मतलब कि आर्गन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है आर्टरीज वेन में, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, रुकावट देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस है, ठीक ना। एक्यूट का मतलब होता है सडनली, ट्यूबुलर का मतलब होता है रीनल ट्यूबुल्स है, और निक्रोसिस का मीन्स होता है डेड ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स है, मतलब कि इसमें ट्यूबुल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसमें डेड लीज हो जाती है। नेक्रोसिस रिफर टू द डेथ ऑफ द सेल्स इन द आर्गन ड्यू टू द डिसीज इन द इंजरी या कि स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई। वही चीज है कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है कि इंजरी हो रही है या किसी डिजीज के कारण क्या हो रही है, सेल्स वहां की डेथ हो रही है, मतलब कि मर रही है, ठीक है ना। तो उस दौरान जो होता है नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स इन द किडनी कॉज्ड वर्म, हीमोरेज, स्नेक बाइट्स, टॉक्सिस लाइक इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन सभी का अगर बॉडी में किसी न किसी कारण बस एंट्री हुआ है या कि वर्म, हीमोरेज, स्नेक बाइट हुआ है, टॉक्सिक वगैरह अगर हुआ है, तो उस दौरान में किडनी के जो ट्यूबुलर सेल्स होती है उसमें निक्रोसिस होगा, और निक्रोसिस हो करके फिर एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। एज वेल एज ड्रग्स, ड्रग्स में जैसे यहाँ पर डाई यूरेटिक्स, ठीक ना, डाई यूरेटिक एक ड्रग्स होता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड प्लेटिनम डेरिवेटिव्स है, प्लेटिनम डेरिवेटिव्स, इन सभी के कारण, ये ड्रग्स का नाम है, ठीक है, इन सभी के कारण अगर वहां पर सप्लाई हो रही है किडनी में तो नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है उस दौरान भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक ना। सडन फॉल इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर अचानक लॉस हुआ है उस दौरान में, जैसे कि हिमोरेज हो गया, डायरिया कंडीशन है, सीवियर वर्म है एंड कॉलरा, ठीक ना। कॉलरा एक तरह की डिजीज होती है जो कि कॉलराई बैक्टीरिया के कारण होती है। तो सडनली अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है उस दौरान भी एक्यूट रीनल फेलियर देखने का कारण बन सकता है, ठीक ना। ब्लॉकेज ऑफ द यूरेटर, यूरेटर में अगर ब्लॉकेज है, ठीक है ना, जिसके फॉर्मेशन ऑफ द कैलकुलाई, जिसको बोलते हैं रीनल स्टोन या कि ट्यूमर, अगर यूरेटर में जो कैलकुलाई स्टोन अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना, पथरी अगर कंडीशन हो रही है कि ट्यूमर हो रहा है यूरेटर में, तो उसके कारण भी ये एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। ये सभी इसके कारण होते हैं जो एक्यूट रीनल फेलियर है, तो कारण जरूर आप मोटा मोटा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कि जो एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट यहाँ पर आपको ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिग्यूरिया मतलब कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब कि यूरिन जो आउटपुट निकल रहा है उसमें डिक्रीज अगर हो जाता है, ठीक है ना, अपने नॉर्मल लेवल से, तो ओलिग्यूरिया की कंडीशन है। एन्यूरिया का मतलब होता है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन जो आउटपुट हो रहा है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, कसेशन हो जाए, मतलब कि स्टॉप हो जाए, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये यह है कि 24 आवर्स में आपको 10 ml ही यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उस दौरान में ये एन्यूरिया की कंडीशन होगी, क्लियर। प्रोटीन यूरिया जो होता है, अपियरेंस ऑफ द प्रोटीन्स इन द यूरिन इंक्लूडिंग द एल्बुमिनूरिया, जिसमें एक्सक्रेशन ऑफ द एल्बुमिन, ठीक ना, एल्बुमिन अगर एक्सेस अमाउंट में निकल रहा है तो प्रोटीन यूरिया देखने मिलेगा। हिमेचूरिया मींस होता है प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन, ठीक है ना। ओडिमा, ठीक ना, एडिमा भी देखने को मिलता है। एडिमा डेवलप ड्यू टू द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ कॉज्ड बाय द रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स है जिसमें कि सोडियम और वाटर बताया गया है, इसका रिटेंशन के कारण, ठीक ना, रिटेंशन के कारण क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, मतलब कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ओडिमा देखने को मिल सकता है टिश्यू स्पेस में, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का फीचर्स बता रहा है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज फ्यू डेज है, ठीक ना, मतलब कुछ दिन तक अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन द सीएसएफ, सॉरी ईसीएफ वॉल्यूम, मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसका अगर इंक्रीज लेवल है कुछ दिन तक, तो उसमें हाइपरटेंशन देखने के मिल सकता है। ये भी एक एक्यूट रीनल फेलियर के फीचर्स की ओर ही इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है एसिडोसिस, ठीक ना। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एसिड बैलेंस अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो एसिडोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द मेटाबॉलिस्म इंड प्रोडक्ट है, मतलब कि जो मेटाबॉलिस्म इंड प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक ना, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह का, तो इनमें क्या हो जाता है,
एसिडोसिस कंडीशन मतलब कि अधिक मात्रा में पीएच जो होता है डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण ये एसिडोसिस की कंडीशन होती है। लास्ट में क्या हो सकता है कि कोमा एंड डेथ है, ठीक ना, मतलब कि पेशेंट में कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी लेट हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिडोसिस की कंडीशन होती है इफ द पेशेंट इन द अनट्रीटेड, अगर टाइम से पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उस दौरान में उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सीवियर एसिडोसिस रिजल्ट इन द डेथ है लीड से विद इन द 10 to 14 days, लगभग मतलब कि 2 वीक में उसकी डेथ भी लीड हो सकती है अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो ये सभी आप क्लिनिकल फीचर्स याद रखिए एक्यूट रीनल फेलियर। क्लियर? तो होप सो आपको एक्यूट रीनल फेलियर समझ में आया होगा क्या है। अब चलते हैं यहां पर, ये देख लेते हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर कैसे हो रहा है, ठीक है ना। एक्यूट तो समझ लीजिए, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज को समझ लेते हैं। अभी तो हमने एक्यूट को देखा, अब यहाँ पर समझेंगे कि क्रोनिक को। तो क्रोनिक जो रीनल फेलियर है, तो पहले हम क्रोनिक शब्द समझते हैं। क्रोनिक मतलब होता है कि टू डिजीज प्रोड्यूस द लॉन्ग टाइम, मतलब कि कोई बीमारी है जो कि लंबे समय तक आपके बॉडी में चल रही है, लगभग कह सकते हैं कि 1 या 2 ईयर तक, मतलब मोर देन 6 मंथ से अबव है। क्लियर? क्रोनिक रीनल फेलियर क्या हो रही है यहाँ पर? प्रोग्रेसिवली लीड हो रही है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगी, लॉन्ग स्टैंडिंग विद इरिवर्सिबल, मतलब कि लंबे समय के बाद ये आपको दिखाई देगी और कैसी रहेगी? इरिवर्सिबल। एक्यूट कैसी थी? रिवर्सिबल थी। और ये कैसी है? इरिवर्सिबल। इम्पेयरमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन, मतलब कि रीनल का जो फंक्शन नॉर्मल तरीके से चल रहा है उसमें क्या हो जाए? इम्पेयरमेंट देखने को मिले, ठीक है ना, मतलब कि गड़बड़ी देखने को मिले लंबे समय तक। व्हेन सम नेफ्रॉन्स लॉस द फंक्शन, मतलब कि इसमें क्या हो जाता है कि जब कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, अनअफेक्टेड द नेफ्रॉन्स के अंदर कंपिसेंट है, ठीक है ना। कंपिसेंट का मतलब होता है परिवर्तित होना, जिसके कारण ये लीड हो रहा है। हाउ इवर, इस प्रकार, व्हेन द मोर एंड मोर नेफ्रॉन स्टार्ट द लॉस द फंक्शनिंग ओवर द मंथ और द ईयर, ठीक है ना, मतलब कि एक या एक से अधिक नेफ्रॉन इसमें स्टार्ट हो जाते हैं अपना फंक्शन को लॉस करने के लिए, और ये मंथ से लेकर के ईयर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। कंपिसेंटली द मैकेनिज्म फेल, लगभग कह सकती हैं कि साथ ही साथ ये मैकेनिज्म जो चल रहा है नेफ्रॉन के अंदर उसका नॉर्मल तरीके से, तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कारण समझ लेती हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर हो किस कारण से रहा। फर्स्ट यहाँ पर है क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट हमने देख लिया, सेकंड है यहाँ पर क्रोनिक। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी एंड डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलाई, ठीक ना। जो ग्लोमेरुलाई सेल्स होती है वो भी डैमेज हो रही है, साथ में किडनी में भी जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है टिश्यू, उसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, इसका लक्षण क्रोनिक ग्लोमेरुलोनाइटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? पॉलीसिस्टिक डिजीज, किडनी डिजीज, इसको बोलते हैं पीकेडी, इसको याद रखिए हमेशा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का मतलब समझिए कि ये एक तरह कैसी हो सकती है, ये इनहेरिडेटरी मतलब कि जेनेटिक किडनी डिसऑर्डर में भी इंक्लूड किया गया है, ये इस तरह की हो सकती है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सिस्ट इन द किडनी, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है कि किडनी में एक तरह का है सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो सिस्ट कैसा हो रहा है? क्लस्टर के फॉर्म में हो रहा है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि अंगूर के गुच्छे जैसे, ठीक ना। सिस्ट होता क्या है, चीज को पहले समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होती है। सिस्टिक कॉज द इनलार्जमेंट ऑफ द किडनी एंड इनपेयरमेंट ऑफ द किडनी फंक्शन लीडिंग टू द किडनी फेलियर, ठीक है ना। मतलब कि सिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फ्लूड, पस, गैस, इन सभी का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है ना। और ये नॉन कैंसरस हो सकता है, ये कैंसरस की ओर नहीं होता, ये नॉन कैंसरस हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया है कि सिस्ट क्या होता है। सिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूड या पस या कि गैस का फॉर्मेशन रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा, ठीक है ना। तो यही सिस्ट क्या हो जाए कि क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है ना, क्लस्टर के फॉर्म में
किडनी का जो ट्यूब्यूल्स एरिया होता है वहां पर इसका फॉर्मेशन हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उसी को बोला जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। और ये एक तरह का है इनहेरिडेटरी किडनी डिसऑर्डर की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब ये जेनेटिक हो सकता है। क्लियर। इसमें होता क्या है कि किडनी और इंपेयरमेंट हो जाएगी और साथ में इसका जो साइज होगा तो अपने नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल साइज में ये इंक्रीज हो जाएगी, ये देखने मिलेगा। नेक्स्ट, रीनल कैलकुलाई मतलब कि किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उसके कारण भी ये क्रोनिक रीनल फेलियर का कारण बनेगा। यूरेथ्रल कंस्ट्रिक्शन होगा मतलब कि यूरेथ्रा से जब यूरिन पास आउट होगा तो वो काफी डिफिकल्टी रहेगी, ठीक ना। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस भी की कंडीशन होगी, ठीक ना, ट्यूबरकुलोसिस की भी कंडीशन हो सकती है, और लो स्लो पॉइजनिंग बाय द ड्रग्स एंड मेटल्स है, ठीक ना, ड्रग्स और मेटल्स के कारण ये होते हैं, पॉइजनिंग अगर हो रही है धीरे धीरे अगर हो रही है, ठीक है, तो ये भी कारण बन सकता है। क्लियर। तो आप समझ गए कि क्या क्या कारण होते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के। चलिए इसका हम ये समझ लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक ना, क्रोनिक रीनल जो फेलियर हो रहा है उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है। फर्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे यूरेमिया, ठीक ना। यूरेमिया क्या होती है कि यूरेमिया इज अ टॉक्सिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सच एज यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन इन द ब्लड, ठीक ना, मतलब कि यूरिया नाइट्रोजन ठीक या क्रिएटिनिन इन सभी जो होते हैं इंड प्रोडक्ट होते हैं एक तरह का है, तो इनका क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है उस दौरान ये टूट करके बाहर निकलते हैं, ठीक ना, इनका एक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड में और अपना एक पॉइजन दिखाई देने लगे, मतलब कि टॉक्सिक तरीके से काम करने लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया, ठीक ना। और ये यूरेमिया के कारण भी क्या हो रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर का कारण बन रहा है, ठीक है। एसिडोसिस की कंडीशन इसमें भी हो रही है, एक्यूट में भी थी इसमें भी हो रही है, ठीक है। तो एसिडोसिस यूरेमिया जो होता है इसका अगर एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, और कब हो रहा है, जब एसिडोसिस की कंडीशन है, तो ये लीड्स कर सकता है कोमा और डेथ है, ठीक ना। अभी प्रीवियस में भी देख सके हैं कि एसिडोसिस की अगर कंडीशन हो रही है और कब हो रही है कि यूरेमिया की कंडीशन, और यूरेमिया क्या होता है, इंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे कि यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन कहां पर हो रहा है, इन द ब्लड में, और किस फॉर्म में हो रहा है, टॉक्सिक के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये एसिडोसिस की भी गिर सकता है। एडिमा की कंडीशन भी होती है कि फेलियर ऑफ द किडनी स्क्रेट सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वैल्यू रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द एडिमा, ठीक है ना, मतलब कि इसमें सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक ना, तो इनका क्या हो रहा है, एक इंक्रीज इस्क्रेशन होने लगे, मतलब अधिक मात्रा में इस्क्रेशन होने लगे, तो ये लीड कर सकता है एडिमा की ओर। ब्लड लॉस के कारण भी हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एकॉम्पिटाइड बाय द प्लेटलेट डिसफंक्शंस लीड टू हैवी लॉस ऑफ द ब्लड सेल, ठीक ना, अगर हैवी लॉस हो रहा है प्लेटलेट डिसफंक्शन के कारण, ठीक है, तो उस दौरान भी एक्यूटिक की जगह क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। क्लियर। और भी इसके पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, एनीमिया। एनीमिया ही क्यों हो रहा है रीनल की कंडीशन में, कि एरिथ्रोपोएटिन जो हर एक हार्मोन्स है, ठीक ना, वो क्या हो रहा है, इट नॉट सिक्रेटेड इन द किडनी ड्यूरिंग द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के दौरान एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट नहीं कर रहा है, तो जब वो सिक्रेट नहीं करेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगा जाएगा तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, ये चीज को समझिए आप, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक्यूट और रीनल की कंडीशन में किडनी फेलियर हो रहा है, लेकिन किडनी फेलियर हो रहा है लेकिन उसमें एनीमिया जो लीड्स हो रही है, तो किस टाइप के एनीमिया जो होता है लीड्स देखने को मिल सकता है। हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्लड का तो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिक्रीज अमाउंट में होगा, सफिशियंट अमाउंट में नहीं होगा, लेकिन उसकी जो सेल्स है आरबीसी जो सेल्स है उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ना तो उसका साइज डिक्रीज होगा ना ही वो साइज उसका बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक
ठीक है, ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर पैराथायरोडिज्म का मतलब ये होता है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स होता है वो अधिक मात्रा में स्क्रेट आउट होने लगे, ठीक है ना, उस दौरान में हाइपर पैराथायरोडिज्म देखने में, और ये सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होता है, इस डेवलप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द कैल्सिट्रियोल, ठीक है ना, कैल्सिट्रियोल में जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफिरोल, ये जो हार्मोन्स है ठीक ना, इसका क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, पर्याप्त मात्रा में से सिक्रेशन नहीं हो रहा, जिसके कारण ये देखने को मिलेगा, और ये भी इंडिकेट करता है क्रोनिक रीनल फेलियर में, ठीक है ना। इंक्रीज द रिमूवल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स बोन्स रिजल्टिंग इन द ऑस्टियोमेलेसिया, मतलब ऑस्टियोमेलेसिया बोन्स जो होती है बहुत ही नाजुक तरीके से हो जाएगी, ठीक ना, उसमें कह सकते हैं कि हट्टा कट्टा मजबूत बोन्स नहीं रहेगी। और भी इसके जो यूरेमिया है ठीक ना, अभी जो हमने देखा, तो यूरेमिया के और भी कुछ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ द एपेटाइटिस, भूख नहीं लगेगी, टायर्डनेस रहेगी, थकान महसूस होगी, लेथार्जी एंड द ड्रोनिनेस देखने को मिलेगा, ठीक ना, मतलब कि अलग तरीके से बेचैनी बनी रहेगी, नोजिया और वॉमिटिंग रहेगा, ठीक ना, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन का पिगमेंट भी लॉस हो सकता है, पेन और क्रैम्प इन द लेग और द फीट, ठीक ना, हाथ पैर में जकड़न और थकान, ये कि दर्द बना रहेगा, मस्कुलर टिशिन रहेगी, टेटेंटी एंड कल्वेंशन, ये सभी देखने को मिल सकता है, लैक ऑफ द कंसंट्रेशन एंड कंफ्यूजन, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होगी, कंसंट्रेशन नहीं बना रहेगा, ठीक है, और लास्ट में अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो ये कोमा और डेथ की ओर भी लीड्स कर सकता है, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट किडनी फेलियर, यहाँ पर जितना था हमने बताया कि किडनी फेलियर या कि रिनल फेलियर कैसे हो रहा है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों रूप से हमने समझाया। दो चार बार अपने लेक्चर को देखिए, नोट्स तैयार करिए, ठीक ना, जब भी आप पढ़ाई किया करिए तो लिख लिख करके पढ़ाई करिए, तभी जा करके आपके माइंड में हर चीज जाएगा, ठीक है। कितना भी टीचर पढ़ा दे, कितना भी कुछ कर दे, जब तक आप अपने से नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे, अपने से नहीं पढ़ेंगे, तो लेक्चर देख करके आपके माइंड में कुछ नहीं रहने वाला, क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और ग्रोथ करवाइए चैनल को, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।